हेलो गाइज, और आज का ब्लॉग लव ने स्टार्ट किया है क्योंकि आज लव गया है वॉक पर, और जहाँ वॉक करने के लिए गया है वहाँ हमारे यहाँ किला शास्त्री का किला है, फेमस जगह है, तो आज वो वहाँ पर गया है और देखिए वहाँ पर लव क्या कर रहा है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और काफ़ी जल्दी भी स्टार्ट कर रहा हूँ आज का ब्लॉग। वैसे मैं इतने टाइम तो उठता भी नहीं हूँ, अब दो दिन से ना वॉक पे आना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं राहुल डेली इतने टाइम और जल्दी उठ जाते हैं। देखिए राहुल और ऋषभ का क्या हो रहा है, दोनों पोल्स पर लटके हुए हैं। क्या चाहते हो, पोल्स को छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे जिंदा? देखो राहुल, एक आ रही होती है ना उसको ले, मैं भी तेरी हेल्प करा दूंगा। पैसा आएगा, पैसा, मनी 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 मनी, पैसा ही पैसा होगा। अबे 25 दिन क्यों लगेंगे, एक दिन में पैसा डबल। और क्या, एक दिन में डबल यार, हमारे पास तो है ही नहीं, तो डबल क्या होगा। अरे आरी का पता ले आएंगे यार, नहीं तो ऐसे तोड़ ले रहे हैं। हम लोग ना पूरे एक साल बाद सनराइज देखेंगे अपनी आंखों से, पूरे एक साल बाद। राहुल राहुल, एक साल बाद देखने वाले ना सनराइज, सनराइज होता हुआ जो हम पहले वॉक पे आते थे। पहले वॉक पे आते ना गाइस, तो डेली का हम सनराइज देखते थे वहाँ पे। सामने आप देख सकते हो मेरे पीछे, सामने जो किला है ना वो ऐसे किला है, साइड से वो टूट चुका है, अंदर से भी वो टूट गया है, लेकिन वहाँ थोड़े बहुत पत्थर रह गए वहाँ के। यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, ये हमने महसूस किया है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की है। सो गाइस चलते हैं हम किले पे अंदर और देखते हैं वहाँ क्या ऐसा सीन है। बहुत टाइम बाद जा रहे हैं हम वहाँ पे। वैसे झाड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई होंगी राहुल वहाँ? हाँ झाड़ियाँ काफ़ी हो गई, पहले बहुत सी कम हुई झाड़ियाँ, बीच में काट दी थी ना लोगों ने, भाई लोग पेड़ बहुत काटते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो हम आ गए हैं किले पे, अंदर जाने के रास्ता है ये। इसमें दो रास्ते हैं, एक यहाँ से है, एक और रास्ता है दूसरी साइड से। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं किले पे अंदर और देखिए यहाँ कितनी सारी झाड़ियाँ हैं भाई, इधर भी काफी ज्यादा। आप देख सकते हो हम सनराइज देखने वाले थे लेकिन सनराइज तो हो चुका है, आप पेड़ के पीछे देख सकते हो सनराइज तो हो चुका है, पर फिर भी हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अभी सनराइज और पूरा जब तक पूरा नहीं होता तो देखेंगे ऊपर, अभी उसे ऊपर जाके। तो गाइस चलते हैं अंदर, और काफ़ी बड़ा भी तो ये। गाइस फाइनली आ गए हैं किले पे अंदर, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, देखिए कितने सारे सांप के बिल हैं इसमें। देखिए कितने सारे बिल हैं, और यहाँ ना हम जब पहले आते थे ना तो हम इस पे चढ़े थे, ऊपर गए थे हम इस पे, ऊपर एक कुआं है और थोड़ा सा स्पेस भी यहाँ बैठने के लिए। लेकिन भाई साहब पिछली बार पता क्या हुआ था, यहाँ कुछ एक्टिविटी थी अलग ही जो मैंने महसूस की थी, मेरे पास में कैमरा था तो मैंने महसूस की थी कुछ है यहाँ पे, पर वो जब मैंने देखा आसपास तो कोई भी कुछ भी नहीं। भैया भी थे, जीत भैया, राहुल भी था, ऋषभ भी था, तीनों हम चारों थे, लेकिन चारों को कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन हमने जो वीडियो थी ना रिकॉर्ड जो की थी कैमरे में या वो देखी ना, तो उसमें लगा था हाँ कुछ है यहाँ पे, लेकिन उस आँखों से नहीं दिखाई दिया हमें ऐसे। तो यहाँ वैसे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती ही है, नॉर्मली होती है यहाँ पे। वैसे हमारे पास वो पुरानी वाली ना क्लिप है हमारे पास, वो मैं आप इस वीडियो में डाल दूंगा आगे, आप देख लेना, आपको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन हाँ उस आवाज़ का कोई सोर्स नहीं था वहाँ पे, एक ना तो वहाँ पे कोई कीड़ा था, ना ही कोई और भी, ना ही पेड़ पर पंछी थे कुछ भी, वो आवाज़ ना कुछ अलग ही थी।
गाइस अब हम किले पे अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एक मंदिर। तो पहले हम यहाँ मंदिर में ना हम काफ़ी वार्म अप करते थे, वॉकआउट करते थे मंदिर के आसपास। तो यहाँ पे एक अंकल जी आते थे, यहाँ पे एक अंकल जी आते थे, वो हमको ना सूर्य नमस्कार होता है वो सिखाते थे। इधर राहुल और ऋषभ पानी वगैरह पी रहे हैं। यहाँ नल है, पहले ये नल दूसरी डायरेक्शन में था, उधर की साइड डायरेक्शन में था ये नल पीछे, अब इधर हो गया है। हम मेन छत पे खड़े हुए हैं और यहाँ से देखिए नजारा क्या मस्त आ रहा है। यहाँ पे चारों तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इधर सनराइज भी हो चुका है अभी इस समय, और यहाँ से सनराइज़ देखने का मज़ा ही अलग है। और लव नीचे खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा हो रखा है और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं जिनको कोई मैच नहीं कर सकता। और जो फीलिंग्स है ना 100 भाई गजब। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अंकल लोग आते हैं, थोड़ा योगा व्योगा करते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं, और वो दूसरे अंकल जी हैं वो हमको योगा करा देते। हम पिछली बार आते थे पिछली गर्मियों में तो हमें वो योगा करा देते हैं। अंकल जी की काफ़ी एज है पर अंकल जी जो योगा करते हैं भाई कोई मैच कर सकता, हम पे होता भी नहीं है उतना अच्छा कर लेते हैं वो, अनबीटेबल। सो गाइस चलते हैं अंकल जी के पास, आज फिर से कुछ करते हैं। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो आए थे हम इस रास्ते से आए थे और इस रास्ते से जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था ना दूसरा रास्ता जाने के लिए, तो हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। वो पीछे मंदिर में अब अंकल आ गए हैं वहाँ पे, तो अब वहाँ योगा वगैरह करते हैं। और वैसे हम योगा कर लेते हैं लेकिन हम लेट ज़्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि 7 बजने वाले हैं और लेट हो जाएंगे घर पहुँचने के लिए। ये मंदिर है यहाँ पे और दो छोटे से, जो मैंने आपको जगह बताई थी ना जहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटी दिखी थी अलग, वो इसके पीछे है जस्ट यहाँ पे, इस जगह पे कहीं। और ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ पे है लेकिन भाई यहाँ से जो ये जगह है यहाँ से हमारी सासनी का ना एक अच्छा सा व्यू दिखाई देता है, बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है यहाँ से। और सासनी का हमारी पूरी सासनी का व्यू भी आगे एक और जगह है, यहाँ राहुल और ऋषभ नहीं दिख रहे होंगे आपको, शायद हट गए। आगे से एक जगह है वहाँ से आपको हम पूरी सासनी का व्यू दिखाते हैं कैसा व्यू आता है वहाँ से। और यहाँ से काफ़ी ऐसा लगता है हम लोग काफ़ी ऊंचे पे हैं। और देखिए अब कितना बड़ा है, एक और मंदिर बनना है यहाँ पे, हो गया। यहाँ से भाई व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू होता है यहाँ से। और आपको झाड़ियाँ दिखाता हूँ, यहाँ झाड़ियाँ कितनी हैं ये देखिए। राहुल किला कितना बड़ा है ये, आ चुके हम राहुल के पास और ऋषभ के। देखिए भाई बहुत ऊंचा है गाइस, यहाँ से देखिए हमारी पूरी सासनी कैसे दिखती है। नीचे मैं जा नहीं सकता, नीचे यहाँ से व्यू भी है पर मैं नीचे जा नहीं सकता, नीचे काफी खाई है। देखिए भाई अपनी सासनी काफी बड़ी है यार, we'll be right back.
यहाँ पे आए थे तो फोटो खिंचा के, फोटो तो हमने खींच लिए, अब चलते हैं यहाँ से बाहर। मैं तो रास्ता भूल गया यार, यही रास्ता है, यही रास्ता है, इसी से आए थे हम। चलो गाइस देखिए सभी लोग, हाँ यार बहुत मजे लेती है यहाँ पे, इतना हमें दिखाया नहीं उससे ज्यादा मजे लिए। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा रैंप है, और ऋषभ और लव दोनों सिनेमैटिक शॉट के चक्कर में नीचे भागे चले गए, ये तो वापस आ गए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे रह गया हूँ और ये भी आ गया। अब हम चलते हैं नीचे। ओ भाई ये रैंप जितना देखने में सरल लगता है ना उतना है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैसा है ढलान वाला। चलते हैं तो हम। ओ भाई गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और राहुल को ऐसे देख सकते हो आप आगे आगे निकल गए वो, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।